आप जो ये नया बिजनेस करना चाह रहे हो फ्यूचर के लिए कितना अच्छा हो सकता है। राख भी डालेंगे, बुझाने की कोशिश करेंगे, बुझेगा ही नहीं। कार्तिक जी, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था जी सर, लोग बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम उन हर सवालों का जवाब देंगे। ठीक है सर। ठीक है, जो बायोकोल इस मशीन से तैयार हो रहा है वो एग्जैक्टली चीज क्या है, जगह कितनी चाहिए इस मशीन को लगाने के लिए, 1 घंटे के अंदर कितनी बिजली यूज हो जाए, बारबेक्यू के अंदर या ऐसे किसी चीज के अंदर इसको यूज करते हैं तो क्या स्मोक आएगा या टेस्ट चेंज हो जाएगा। लोगों का सवाल है इतनी बड़ी मोटर है तो इसमें लोड कम कैसे जाता है। ये स्पिंडल जो हम यूज करते हैं जी, इसके अंदर क्या चीज़ है जो घिसती है और कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। एक और लोग पूछते हैं कि इसको हम ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते हैं, हमने इसको मैनुअल क्यों किया हुआ है। इस फ्यूल के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आज तक किसी भी मशीन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई और इस तरीके का फ्यूल बना ही नहीं है। ये वाला मैकेनिज्म ना तो आपको पैलेट में मिलेगा ना कंप्रेस्ड वाली ब्रिकवेट में मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी शेप, यूनिक शेप के अंदर मिलेगा। अब हम कोई नया फ्यूल जला रहे हैं तो उसका जलाने का तरीका होता है। अभी हम ऐसे जलाएंगे तो इसमें स्मोक पैदा होगी। इसको जलाने के लिए तंदूर वालों को मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप मिथेनॉल जेल यूज़ कर सकते हो कुछ हल्की सी क्वांटिटी में, ताकि ये एक बार फ्लेम दे दे। देखो, इसको एक बार फ्लेम देना ही पड़ेगा तभी स्मोकलेस होगा, अदरवाइज नॉट। राख भी डालेंगे, बुझाने की कोशिश करेंगे, बुझेगा नहीं, ये हम बुझा ही नहीं पाएंगे। अब इसको ये फिर फ्लेम ले लेगी। कोयला वोला कुछ भी ऐसा कर दो तो बुझ जाएगा, वो तो बुझ जाएगा पर ये नहीं बुझेगा। इतनी राख डालने के बाद भी नहीं बुझा। अभी हम दिखाते हैं लाइव कि मशीन काम कैसे करेगी और माल कैसे बनेगा। जी, स्टार्ट करिए प्लीज। अभी ये जो मशीन है ये रनिंग कंडीशन में है, लाइव इसमें माल बन रहा है और स्मोक कितना निकल रहा है वो आप देख सकते हो। जब स्टार्टिंग में हमने डाला था, क्योंकि मशीन अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो टेम्परेचर को सेट होने में वो एक अब्रप्ट हीट जो जाती है उस टाइम पे ज्यादा स्मोक निकला था। कार्तिक जी, एक चीज और बताओ, अगर ये माल प्रॉपरली ड्राई नहीं होगा तो स्मोक की क्या कंडीशन होगी। हम क्यों बोलते हैं कि माल ड्राई होना चाहिए अच्छे से, वो बताइए प्लीज़। सर, एक्चुअली जब माल में मॉइस्चर होता है, जो लिग्निन की प्रॉपर्टीज, जो लिग्निन जिस मात्रा में रिलीज होना चाहिए वो नहीं होता। तो वो क्या करता है, लिग्निन का मतलब ये होता है कि लिग्निन एक तो इसको बाइंड कर रहा है, बिल्कुल बाइंडर का काम कर रहा है, वो बाइंड प्रॉपरली हो नहीं सकता। और जब हमारा बाइंड प्रॉपरली नहीं होता तो उसमें हमारे माल के अंदर, जैसे अभी ये प्लेन निकल रहा है ना, तो माल में हमारे क्रैक्स आ जाएंगे, ये ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे। अब आप ये देख लीजिए कि इस तरह के क्रैक्स वाला माल बनेगा अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। प्रॉपरली ड्राई होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपरली ड्राई होगा जैसे कभी है ये वाला, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल प्लेन है, प्लेन माल निकल रहा है, उसमें कोई इस तरह के क्रैक्स नहीं है। माल तब भी बनेगा, जलेगा तब भी, बट उसकी फिनिशिंग जो है वो कम आएगी। तो आपको चलाना कैसे है मशीन, ये डेमो आपने देख लिया। स्मोक नहीं है, लेकिन अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्रैक्स प्लस स्मोक ड्यूरिंग प्रोडक्शन दोनों चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। जी, अब कई लोगों ने मेरे को ये भी सवाल किया कि कार्तिक जी आपने ड्रायर क्यों ऐड किया है। दिस इज़ द रीज़न मैंने ड्रायर ऐड किया है। कई लोग अभी भी डाउटफुल रहते हैं कि हम ड्रायर लें कि ना लें। सर्दियों में या बारिश के टाइम पे आप काम करोगे तो कैसे करोगे, जितना आप ड्राई माल डालोगे उतनी आपकी प्रोडक्शन अच्छी निकलेगी, उतनी आपको मशीन में प्रॉब्लम्स कम आएंगी, उतनी मेंटेनेंस कम होगी। जितना माल में मॉइस्चर होगा उतना मेरा स्क्रू घिसेगा, उसमें उतने क्रैक्स आएंगे, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। काफ़ी कस्टमर्स को ये चीज़ का डाउट था कि हमारे मशीन में से जो स्मोक निकल रहा है वो इतना ज़्यादा क्यों निकल रहा है। जब हमारा मटीरियल सन ड्राई होता है, हम ड्रायर में नहीं डालते तो इतना स्मोक निकलेगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है माल में। अब माल में मॉइस्चर ज़्यादा है, माल सेम है, बट बात यह है कि अब उसके अंदर मॉइस्चर इतना है वो उसने कहीं ना कहीं से निकाल नहीं है, तो ये स्टीम के रूप में बाहर निकालता है, तो ये सन ड्राई है। तभी मैं ड्रायर मैंडेटरी करता हूँ ताकि आपका इतना स्मोक ना बने। जैसे पिछले वाले हमने माल में दिखाया था कि स्मोक नहीं आ रहा था, वो हमारे ड्रायर में से ड्राई होकर फिर इसमें आया था। अब ये बिना ड्रायर के आया है तो स्मोक ज़्यादा है। तो ये आपका मैंने डाउट क्लियर करने के लिए ये चीज़ दिखाई है। हमें जो अपने मटेरियल के टेम्परेचर चाहिए था वो 400 या 450 चाहिए था, बट हमने पिछले मटेरियल की तरह 500 डिग्री रखा था, तो भी हमारा स्मोक, क्योंकि माल जल के आएगा, तो इसलिए हमने जो अपने हीटर को टेम्परेचर को वेरी करना है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा माल कैसे निकल रहा है, उस हिसाब से आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। लोगों का सवाल है इतनी बड़ी मोटर है तो इसमें लोड कम कैसे जाता है। जी, तो आप ये बताइए सब व्यूअर्स को कि लोड कम कैसे होगा। सर, ये 30 HP की मोटर है, क्रॉम्पटन की। एक्चुअली इस मोटर के जो RPM है 960 RPM है। लोग सोचते हैं कि ये पूरे लोड पे चल रही है, बट इसका जो RPM है हमने बेल्ट और पुली से 390 RPM में किया है। बेसिकली आपको पावर ज्यादा चाहिए थी, पावर ज्यादा चाहिए था क्योंकि कंप्रेशन चाहिए था। अगर हमने पाउडर फॉर्म में बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में माल डाल दिया तो भी मोटर को लोड चाहिए, अगर हमने बिल्कुल मोटा माल डाल दिया तो भी मोटर को लोड चाहिए। हमने 30 HP इसलिए रिकमेंडेड किया है ताकि हमारे लोड में फर्क ना पड़े, हमारे कंप्रेशन में फर्क ना पड़े। ये स्पिंडल जो हम यूज करते हैं जी, इसके अंदर क्या चीज है जो घिसती है और कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है? इसमें अभी तक मैंने जो देखी है, इसकी जो आउटर सरफेस है ये वाली जो एंड वाला पार्ट है, बिल्कुल ये वाला पार्ट, हाँ जी एंड वाला जो पार्ट है ये घिसता है बस, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ता है। ये बाकी तो माल को आगे लेके जा रहा है बस यही मेंटेनेंस है सर जी, और कोई मेंटेनेंस नहीं। तो ये सबको समझ आ गया होगा कि सिर्फ ये फ्रंट पार्ट यही सिर्फ घिसेगा, पूरा स्पिंडल नहीं घिसेगा। ये जब घिसेगा तो इसको कोई भी वेल्डर इसको माल चढ़ा के इसको घिसा के वापस सेट करके इसको रीयूजेबल बना सकते हैं। और ये कितने टाइम में करना पड़ेगा इसको? डिपेंड ऑन मटेरियल। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, किसी आदमी ने मशीन 8 घंटे लगातार चला ली, ठीक है, बीच में ठंडी नहीं की, तो हम उस टाइम पे क्या होगा? मेरा माल गर्म हो रहा है, मेरा स्पिंडल भी गर्म हो रहा है, उसमें मेंटेनेंस ज्यादा आएगी, माल घिसेगा भी ज्यादा। बट अगर उसने, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 4-4 घंटे के बैचेस में चला लो, बीच में 1 घंटे का रेस्ट दे दो, तो स्पिंडल को कुछ टाइम मिल जाएगा रिलैक्स होने का, और वो उसकी घिसने की जो टेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी। बेसिकली अगर हम SOP फॉलो करें, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको फॉलो करते हैं तो स्पिंडल की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। इन जनरल 3 से 4 दिन, 4 दिन तक ये अगर लगातार चल रही है मशीन, हाँ जी, तो आप चौथे दिन मतलब इसको मेंटेनेंस के लिए आपको भेजना पड़ेगा। किसी की तो शायद 1-2 हफ्ता भी ना किसे, वो अगर ये चीज मटेरियल सॉफ्ट होगा। मैं जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, कावडंग का गोबर है, गोबर एक सॉफ्ट मटेरियल है, उसमें प्रेशर नहीं लगता इसको, स्पिंडल को, क्योंकि वो सॉफ्ट है और उसको जोड़ने में भी दिक्कत नहीं है। गन्ने की मैली है, वो भी सॉफ्ट है। बट यही चीज अगर लकड़ी के पाउडर में आते हैं, वो हार्श है, चावल का छिलका हार्श है। इतने हार्ड मटेरियल को, चुभे हुए मटेरियल को जब हम बाइंड करते हैं तब स्पिंडल का प्रेशर लगता है। एग्जैक्टली तो ये डाउट आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कार्तिक जी ने। अब हीटर्स की बात करते हैं, तो हीटर्स को हम ऐसे एज इट इज ऑन छोड़ सकते हैं? ये सर, छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरे हीटर लगातार नहीं चल रहे हैं, ऑटो कट हो रहे हैं, मैंने वो सिस्टम लगाया हुआ है इसमें, ठीक है, वो रेगुलेटर भी है, और हर मटेरियल के हिसाब से हम एक टेम्परेचर फिक्स करके उसको चला सकते हैं। हाँ। तो कार्तिक जी, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर 1 घंटे के अंदर कितनी बिजली यूज हो जाती है, कि इतनी बड़ी मोटर, इतने बड़े बड़े हीटर, तो उनको लगता है बिल पता नहीं कितना ही आ जाएगा। तो वो बताइए कि बिल एग्जैक्टली कितना आ रहा है हमारा? सर एक्चुअली मैं जितनी भी मशीनें बनाता हूँ ना, मैं उसको ना कभी भी ओवरलोड नहीं चलाता। आप किसी भी चीज़ को ओवरलोड चलाओगे ना, कंजम्पशन बढ़ेगी, इवन की मशीन के ऊपर लोड पड़ेगा। 960 RPM की मोटर, बट मैंने उसके हाफ कर दिया, हाफ से भी कम कर दिया, 390 RPM, 1/3 पे आ गए, 1/3 पे आ गए। तो हमारी मोटर आराम से 3 से 4 यूनिट मुश्किल से, 4 यूनिट मुश्किल से, बस प्लस हीटर लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द मटीरियल मैं हीटर को कंट्रोल करता हूँ। चावल का छिलका है, उसको मैं करता हूँ 450 पे। लकड़ी का पाउडर है बड़े आरे वाला, उसमें करता हूँ मैं 500 में। लकड़ी का प्लाईवुड का पाउडर है बारीक वाला, उसमें मैं करता हूँ 550 में। अब आपके हीटर वेरी करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग बढ़ती रहेगी। लेकिन फिर भी एक इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे के अंदर कितनी बिजली यूज़ हो जाएगी? इन जनरल मैं 1 घंटे में मान के चलता हूँ कि 6 से 8 यूनिट के बीच में, मैक्सिमम है 8 यूनिट, मिनिमम है 6 यूनिट। एक और लोग पूछते हैं कि इसको हम ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते हैं, हमने इसको मैनुअल क्यों किया हुआ है? उसका भी एक रीज़न है कि मैनुअल करने पे क्या रहता है कि इसकी प्रोडक्शन वो कंट्रोल में रहती है, अफोर्डेबल रहती है। अगर हमने वही सब कर दिया, पुली लगा दी और बेल्ट लगा दी, कन्वेयर बेल्ट लगा दी, तो फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसको मैनुअल रखा है। और अगर आपको कन्वेयर बेल्ट पर माल डालना है उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए आपको एक बंदा चाहिए। सर इस बात का जवाब देता हूँ, एक आप मेरे को एक बात बताओ, 20 से 25 हज़ार की मशीन ब्रिकेटिंग, बायोमास ब्रिकेटिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, जिसमें होल नहीं होता, उस मशीन पे फुली ऑटोमेटेड मशीन है, फिर भी एक बंदा लगता है, लगता है ना? बिल्कुल लगता है। मैंने तो इसको मैनुअल बनाया है, मैंने इसलिए बनाया है ताकि इसमें कॉम्प्लिकेशन कम हो। उस मशीन में डाई क्यों घिसती है, उस मशीन में अंदर हाइड्रोलिक्स के ऑयल क्यों चेंज करने पड़ते हैं, ड्यू टू दैट कि हमने इसको इतना ऑटोमाइज कर रखा है कि मोटा माल जा रहा है, पतला माल जा रहा है, मशीन संकेत दे नहीं पाती और मशीन में माल चला जाता है तो कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है पीछे से। वो मेंटेनेंस को रोकने के लिए इसको मैंने मैनुअल रखा है, ताकि लो मेंटेनेंस मशीन बन जाए, रफ टफ मशीन बनाती है, कि माल डालो और बनाओ। लोग ये पूछते हैं कि भाई जगह कितनी चाहिए इस मशीन को लगाने के लिए? सर जी इसके लिए 30 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, और मैं 3 फेज का 30 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, और मैं मानता हूँ कि 300 गज में आप इस प्लांट को लगा सकते हो। सिर्फ मेरे को जगह चाहिए। मेरी मशीन आप देख सकते हो कितनी छोटी है, सिर्फ वॉशिंग मशीन के साइज से थोड़ी सी बड़ी, बिल्कुल। और सिर्फ आप देख सकते हो, और आपको माल स्टॉक करने के लिए जगह चाहिए और किसी के लिए बेसिकली हमें ज़्यादा जगह चाहिए रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल को स्टॉक करने के लिए। मशीन को जगह कम चाहिए, ड्रायर को भी बहुत जगह नहीं चाहिए, ड्रायर इसे थोड़ा सा बड़ा है जी, और जो हमारा रॉ मटेरियल है मेनली जगह वही कंज्यूम करता है जी। अब हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि जो बायोकोल इस मशीन से तैयार हो रहा है वो एग्जैक्टली चीज़ क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज़ नहीं है और अभी तक किसी ने देखी नहीं है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो बायोकोल ब्रिक्वेट है ये विद होल है, ये टोटली डिफरेंट है जो अभी तक मार्केट में आती रही है, बहुत ही सारी की सारी प्रेशर से कंप्रेशर से बनी हुई, बट ये है डबल टेक्नोलॉजी से बनी हुई। आउटर लेयर कार्बोनाइज्ड है और इसकी बीच की लेयर ये पायरोलिसिस से तैयार हो गई है। हमने जो किया है ये फास्ट पायरोलिसिस प्रोसेस की है, जिसकी वजह से लिग्निन और बायो ऑयल ये सब निकल के बाहर आता है। वो ऑयल एज बायोफ्यूल यूज होता है, लेकिन वो सारा का सारा बायोफ्यूल इसी के अंदर एम्बेडेड है और बाहर की लेयर कार्बोनाइज की गई है ताकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो ये एब्जॉर्ब कम से कम करे और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन वो कम से कम हो, ताकि इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो। लेकिन ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो इसके अंदर हैं वो कंप्रेशन वाली ब्रिक्वेट में नहीं होती है। इसकी इनर लेयर भी कार्बोनाइज्ड है, इसकी आउटर लेयर भी कार्बोनाइज्ड है, और इसकी स्ट्रेंथ आप देख रहे हो, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और इसकी बर्निंग कैपेसिटी जो इसकी GCV है, इसकी रिपोर्ट भी ये आपकी स्क्रीन पे। कोयले की GCV जो 4000 के आसपास आती है, और हमारे इस ब्रिक्वेट की जो GCV आ रही है वो आ रही है 3800 के अराउंड। और गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेड है, अगर किसी भी जगह पे बायोफ्यूल यूज़ होता है तो वो अबाउट 2000 होनी चाहिए, 2000 से लेके 4000 के बीच में होनी चाहिए, और इसकी 3800 के आसपास है। तो ऑन हायर साइड आपको इसकी GCV मिल रही है, पूरा टेम्परेचर मिल रहा है, प्लस इसका बर्निंग टाइम भी बहुत लंबा है। तो कार्तिक जी, आप बता रहे थे आपने भी इसको टेस्ट किया जला के। जी सर, हमने यहाँ पे अपनी एक बारबेक्यू रखी हुई है, बारबेक्यू में हमने इस फ्यूल को यूज किया, उसमें हमने देखा है इसका जो बर्निंग टाइम, प्रॉपर हीट हमने महसूस किया। लाइकवाइज जैसे नॉर्मल कोयला होता है, नॉर्मल कोयले में इनको हवा की रोटेशन चाहिए, बट हमारे माल में हवा की रोटेशन नहीं चाहिए, मतलब उसको बार बार आपको हवा नहीं पड़ रही है, हवा झलते हैं जैसे बिल्कुल वो नहीं करनी पड़ रही। और हम कोयले में जब आपने एक और चीज देखी, जब हवा मारते हैं ना तो वो धुआं उड़ता है, स्मोक उड़ता है, इसमें नहीं उड़ता। बारबेक्यू के अंदर या ऐसे किसी चीज के अंदर इसको यूज करते हैं तो क्या स्मोक आएगा या टेस्ट चेंज हो जाएगा या कोई फ्लेवर में चेंज आएगा? सर, मैंने गोबर के साथ भी इसका चारकोल बनाया था, तब भी मतलब वो टेस्ट में चेंज नहीं आया, मीन्स क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद उसकी जो इनबिल्ट स्मेल होती है रॉ मटेरियल की वो चली जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर 450 डिग्री पे ये पास हो रहा है जी, तो उसके अंदर क्या ही वोलेटाइल सब्सटेंस बचेगा। बिल्कुल। और अगर वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है तो उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, वो ऑलरेडी उड़ चुका होता है। इसके अंदर एक मैकेनिज्म हो रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये और बिना हवा के, जैसे आपने बताया कि कैसे जल जाती है, वो है इसकी यूनिक शेप जी। उसके अंदर क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, जब पुराने टाइम में जब चूल्हा जलता था जी, उसको हम फूंक मार के और हवा देनी पड़ती थी, तभी सिर्फ वो जलता था। अब इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस क्या है कि जब हीट होती है, आपको मालूम है गर्म हवा हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, और जहाँ से गर्म हवा निकलती है वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है और फ्रेश हवा वापस उसकी जगह लेती है। अब ये एक ट्यूब की तरह है जी, जब ये जल रहा है गर्म हवा होती है, गर्म हवा की वजह से ये हवा उड़ के बाहर निकलेगी, इसकी जगह फ्रेश एयर आएगी, यानी कि जो सर्कुलेशन हवा का चाहिए होता है वो फ्लेम को मिलेगा, वो फ्लेम को नेचुरली मिल रहा है। ये वाला मैकेनिज्म ना तो आपको पैलेट में मिलेगा, ना कंप्रेस्ड वाली ब्रिक्वेट में मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी शेप, यूनिक शेप के अंदर मिलेगा। तो लोगों ने ये कहा था कि इसको जलाने के लिए धुआं बहुत ज्यादा निकलता है या स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो उनको ये बता देते हैं कि हर रेस्टोरेंट के अंदर, हर आप किसी भी जगह पे जाए जहाँ पे खाना सर्व होता है, अच्छे रेस्टोरेंट में, पार्टीज के अंदर, तो उसके नीचे एक फ्यूल होता है जो जल रहा होता है। वो क्या होता है, बेसिकली मेथेनॉल जेल रहती है। वो मेथेनॉल जेल बिल्कुल भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। तो अगर आपको ये ब्रिक्वेट इसको जलाना है डायरेक्टली, अगर आप सोचेंगे इसको हम किसी भी फ्लेम से जलाने की कोशिश करें तो, क्योंकि इतना हार्ड मटेरियल है, स्टार्टिंग में इसको दिक्कत आएगी और आपको हो सकता है स्मोक मिले। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी फ्यूल और डाल देते हैं जो कि इंस्टेंट बर्निंग वाला है, जैसे कि मेथेनॉल जेल, तो ये इंस्टेंटली जलेगा और जलने के बाद इसके अंदर कोई स्मोक भी नहीं आएगा। एक बार फ्लेम पकड़ते इसका टोटल स्मोकलेस जलता है ये। जो लोग ये कह रहे थे कि बनते हुए धुआं निकलता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रेड जोन नहीं है या इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है या रिमोट एरिया नहीं है, वहाँ पे भी अगर आप इस मशीन को लगाना चाहते हो तो आपको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वो यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका जो धुआं निकलता है वो मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर सिर्फ मॉइस्चर होता है और थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कंटेंट होता है, और ऊपर की जो लेयर है जो कार्बनाइज होती है वो बर्निंग से जो इफेक्ट आता है सिर्फ वो होता है। अदरवाइज इसका जो स्मोक है वो उस तरह से हार्मफुल नहीं है जो बाकी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। प्लास्टिक मटेरियल या किसी और हाई पॉल्यूटिंग चीज़ को अगर जलाते हैं तो इसका स्मोक वैसा नहीं होता। थैंक यू। पूरा सेक है इसका। जी जी जी, देखो है कोई स्मोक, बिल्कुल, और हम लोग कोई हवा दे रहे हैं हम इसको, बिल्कुल बिल्कुल।